नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 मई दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुशील मोदी ने संसद भवन को लेकर विपक्ष को दी चुनौती। जदयू नेता ने जेपी नड्डा को दी नसीहत। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को बताया गैर जिम्मेदाराना। पुष्पम प्रिया ने बिहार के विकास पर उठाए सवाल। सपा नेता ने पीएम मोदी पर लगाए यह आरोप। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सुशील मोदी ने संसद भवन को लेकर विपक्ष को दी चुनौती। देश में विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के निमंत्रण का बहिष्कार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि यह उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। अब इसी को लेकर बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के शुभारंभ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या द्वेष की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार बताएं कि 17 साल में उन्होंने कितने सरकारी भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन राज्यपाल से करवाया है। आगे उन्होंने कहा कि नए भवन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया था, किसी ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया था। आगे उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो विपक्ष घोषणा करे कि वह भारतीय अस्मिता और गौरव के प्रतीक नए संसद भवन की कार्यवाही में कभी भाग नहीं लेगा। बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने विपक्ष से अनुरोध करते हुए कही ये बात। 19 विपक्षी दलों ने एक साथ संसद भवन के उद्घाटन समारोह में न शामिल होने की घोषणा की थी। अब विपक्षी दलों के इसी बहिष्कार को देखते हुए बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा कहा गया है कि यह बहिष्कार न केवल नागरिकों का अपमान है बल्कि संविधान का भी अपमान है। आगे उन्होंने अनुरोध के लहजे में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्षी दल देश और संविधान के खातिर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि समारोह का बहिष्कार करने वाली 19 पार्टियों में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी समेत और भी अन्य पार्टी शामिल हैं। जदयू नेता ने जेपी नड्डा को दी नसीहत। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें गजनी फिल्म का हीरो बताते हुए कहा था कि उन्हें मेमोरी लॉस होने की बीमारी है। आगे उन्होंने दरभंगा में हुए जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने यही अपने आप को प्रधानमंत्री बता दिया था। ऐसे में हम सभी उनसे आग्रह करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी अब आप बूढ़े और बुजुर्ग हो गए हैं, अब आपकी याददाश्त भी जाने लगी है, इसलिए अब आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सम्राट के इस बयान को लेकर अब जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नसीहत देते हुए कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आपको जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि उन पर लगाम लगाए, अन्यथा आपके जो सबसे बड़े नेता हैं, उच्च पदस्थ नेता हैं, उनके खिलाफ जो राजनीतिक रूप से जहरीले और विषैले बयान होते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। बीजेपी नेता ने कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों की बनाई लिस्ट। देश में इस बार राजनीति नए संसद भवन को लेकर गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा करवाए जाने पर विपक्ष केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे, तो वही सत्ताधारी पार्टी के लोग इसके समर्थन में आवाज उठा रहे। अब इसी कड़ी में बीजेपी द्वारा कई ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया जिसका शिलान्यास या उद्घाटन मुख्यमंत्री और अध्यक्ष द्वारा ही हुआ था। बता दें कि यह उल्लेख असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा द्वारा की गई है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि 2014 में झारखंड और असम में, 2018 में आंध्र प्रदेश में, 2020 में छत्तीसगढ़ में और 2023 में तेलंगाना में विधानसभा भवनों की आधारशिला रखने वाली बात करते हुए कहा कि इन भवनों की आधारशिला और उद्घाटन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा की गई थी। सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर लगाए ये आरोप। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के हटगाछी में आयोजित सदस्यता अभियान में बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और उनके कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। दरअसल उन्होंने कानून व्यवस्था की बात करते हुए कहा कि बिहार में लालू माफिया और शराब माफिया का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री क्रेडिट लेते हैं कि हमने बिहार में शराबबंदी बंद कर दिया है, लेकिन बिहार की जनता को शराबी किसने बनाया। ठाकरे गुट के शिवसेना ने केजरीवाल का किया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल के समर्थन में जो फैसले आए थे उसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर केजरीवाल से उनकी सख्ती, जो अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर से संबंधित है, उसे वापस ले ली थी। अब केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के विरोध में केजरीवाल कई राज्यों में घूम घूम कर समर्थन जुटा रहे हैं। इसी संबंध में उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। फिर वे शिवसेना प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंचे। इस दौरान विपक्षी दलों के गठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ बनाए जा रहे हैं इसे लेकर भी चर्चा देखने को मिली। केजरीवाल ने बताया कि बीजेपी ने दिल्ली में जनता की सरकार के खिलाफ फरमान जारी कर तानाशाही शुरू कर दी है। इस अध्यादेश को लेकर जब राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो ठाकरे गुट की शिवसेना इसका विरोध करेगी। इसके लिए उद्धव ठाकरे हमारे साथ है। उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है कि वह हमारा समर्थन करेगी। अगर ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो 2024 में देश में मोदी सरकार नहीं।
बिहार में कांग्रेस बीजेपी के वोट में ऐसे लगाएगी सेंध। कांग्रेस बिहार में लगभग 50% ब्राह्मण और भूमिहार जाति से अपने नव नियुक्त जिला जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 66% जिलाध्यक्ष अगड़ी जाति से अपना संबंध रखते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भूमिहार और ब्राह्मण समाज को अपने तरफ खींचने की तैयारी में लगी हुई है। यदि बात दलित पिछड़े और मुस्लिम वोटरों की आती है तो महागठबंधन में रहकर कांग्रेस को इन जातियों से वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि बीजेपी के भी कोर वोटर है, लेकिन बीजेपी इन दिनों पिछड़े जाति के वोटर को लुभाने में लगी हुई है। सिद्धारमैया को लेकर दिए गए विवादित बयान पर फंसे बीजेपी विधायक कर्नाटक के सीएम। सिद्धारमैया पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कर्नाटक में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री सीएन अश्वथ नारायण मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने सिद्धारमैया पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि सिद्धारमैया टीपू सुल्तान की जगह पर आएंगे। आप वीर सावरकर चाहते हैं या टीपू सुल्तान, फैसला आपको करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि उड़ी गौड़ा और नंजे गौड़ा ने टीपू सुल्तान के साथ क्या किया था, इसी तरह से सिद्धारमैया को खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी नेता के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ अब FIR भी दर्ज किया जा चुका है। कांग्रेस नेता अब बीजेपी विधायक के इस बयान लेकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेता का विवादित बयान आया सामने। बीजेपी के पूर्व सांसद जनक ने बिहार के दरभंगा जिले में विवादित बयान देते हुए इलाके का नाम अलीनगर होने पर आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि अलीनगर ये कैसा नाम है, जब नाम अलीनगर है तो जय श्री राम के नारे लगाइए। आगे उन्होंने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि अखबार और टीवी के माध्यम से आप बिहार के पलटू राम मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। ये दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है। बता दें कि बीजेपी नेता बीजेपी के चल रहे सदस्यता अभियान में शामिल होने गए थे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बीजेपी द्वारा लाए गए कानून पर छाएंगे संकट के बादल। अभी कुछ समय पहले तक हिजाब को लेकर कर्नाटक में राजनीति देखने को मिली। यहां हिजाब पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वे राज्य में लगे हिजाब पर प्रतिबंध को हटा देगी। अब इसी मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने विधानसभा में कहा है कि मैं हिजाब के मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्हीं के पार्टी के प्रियांक खड़गे, जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हिजाब, लालकट और गौहत्या कानूनों पर प्रतिबंध वापस लेगी। बता दें कि इन कानूनों को बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया था। अब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ चुकी है तो लोगों के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि बीजेपी द्वारा लाए गए इन कानून पर संकट मंडरा सकता है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कही ये बात। विपक्ष देश में नए संसद भवन का उद्घाटन PM मोदी द्वारा करवाए जाने पर जमकर विरोध कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जाना पूरी तरह से बेतुका है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब बिहार विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन CM नीतीश कुमार ने खुद किया तो उन्होंने महामहिम राज्यपाल से इसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाया। अब जब संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं तो नीतीश कुमार सहित तमाम विपक्षी दल को दिक्कत हो रही है। यह अनावश्यक विरोध को जनता समझ रही है। उद्घाटन की एक परंपरा रही है, कहीं महामहिम राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं मुख्यमंत्री तो कहीं मंत्री विभिन्न कार्यक्रम एवं स्थलों का उद्घाटन करते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को लेकर किया यह दावा। जहां देश में विपक्षी दल संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे, वहीं देश के कई राज्यों से सत्ताधारी पक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बता दें कि धामी 26 मई को दिल्ली पहुंचने वाली है। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद वे उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखने। वहीं जो विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि आने वाले समय में राष्ट्र कांग्रेस और उसके सहयोगियों का विरोध करेगी। सपा नेता ने PM मोदी पर लगाए यह आरोप। वैदिक रीति रिवाज के साथ नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना और उद्घाटन किए जाने हैं। इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन का बयान सामने आया है। अपने इस बयान में उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा है कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है, इसलिए किसी एक धर्म का प्रतीक गलत है। आगे उन्होंने मांग की कि कुरान खवानी, गुरुवानी और बाइबल पाठ भी होनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि PM मोदी संसद की नई इमारत के उद्घाटन का राजनीतिकरण कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को बताया गैर जिम्मेदाराना। देश में विपक्ष दलों के नेता द्वारा लगातार संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया जा रहा। विपक्ष के इस बहिष्कार को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, नए संसद भवन पर उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आगे उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली दिन के रूप में दर्ज होने जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमा
है और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वह अत्यंत दुखद और गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। पुष्पम प्रिया ने बिहार के विकास पर उठाए सवाल। एक बार फिर से बिहार के बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करके बिहारियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जहां हर कोई यूपीएससी में टॉप इन बिहारियों पर गर्व कर रहा, वहीं अब द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि बिहार देश में नंबर वन हो जाते हैं, टॉप करना उनकी आदत है, पर बिहार को किसने दशकों से अंतिम पायदान पर बनाए रखा। वहीं सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के हर परीक्षा में यह फेल क्यों है, कब तक तेज बिहारियों का नेतृत्व भूसखोर भ्रष्ट नकली नेता करते रहेंगे। फिलहाल आज के राजनीतिक से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, सुरुचि कुमारी, दीपक कुमार, नन्नू गोलू कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विपक्षी दलों द्वारा संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? आप न जाओ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।